आज पूजा रखी गई है। आपको ये देख लो, ये मेरे घर की पुरानी दीदी है, आशीर्वाद दे रही थी एक्चुअली मैं कि इनका सब चीज अच्छा हो, सब चीज बढ़िया हो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो सुबह सुबह मैं बिल्कुल बन ढन के रेडी हूँ। साड़ी मैंने पहनी है वो देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि घर में कुछ स्पेशल ही है, इसीलिए मैंने साड़ी पहनी है। ऑफकोर्स एक्चुअली घर में आज पूजा रखी गई है, 3 दिन का ये पूजा है और बिल्कुल एकदम लहसुन प्याज नहीं खाना है, एकदम शुद्ध रहना है। तो हम ये आज का तो दिन वैसे दूसरा दिन है, तो फर्स्ट दिन मैं आई थी तो मुझे मायके से मैं आई थी तो मुझे बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग करी ही नहीं। तो आज सेकेंड डे है, सेकेंड डे से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तो आपके साथ पूरा ब्लॉग मैं शेयर करूंगी। और एक चीज है कि आज बजरंग बली की भी पूजा है, तो मंदिर में हनुमान जी की भी पूजा होती है, तो पहले घर की पूजा हो जाएगी, उसके बाद हनुमान जी की मंदिर में भी होगी और वहां पे भी हम सब जाएंगे, तो वो ब्लॉग में सब शेयर करूंगी। तो पूरे ब्लॉग को देखिएगा गाइस, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो बिना लेट किए हुए पहले चलते हैं, सब कोई चला गया, एक मेरा ही लेट हो गया। एक्चुअली घर में चंडी पाठ की पूजा रखी गई है, वो भी 3 दिन के लिए, और इन 3 दिनों तक हम ना प्याज खा सकते हैं ना लहसुन खा सकते हैं, बहुत ही प्योर एकदम शुद्ध रहना पड़ता है इस पूजा में। और यहाँ पे ईशु अपने दादा दादी के साथ मस्ती कर रही थी, इंजॉय कर रही है पूजा को सबसे ज़्यादा, तो वही देख लो घंटी लेके वो जा रही है और इधर पूजा भी चल रही है, बट दादी को ऐसा डर लग रहा था कि कहीं वो घंटी फेंक ना दे, देख लो। पूजा हो रही है, पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहे थे, कथा सुना रहे थे और हम सब मिलके बैठ के उसे सुन रहे थे। एक चीज़ ये होती है, आप लोग भी देखना, जब भी पूजा पाठ घर में होती है तो मन बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव टाइप का लगता है, कुछ भी बुरा नहीं मन में आता है, कुछ भी नहीं, मतलब हर टाइम पॉजिटिविटी मन में रहती है। तो पूजा पाठ भी एक जरिया ही होता है खुश होने का। और अब आरती हो रही है, पूजा हो गई थी, अब मम्मी और पापा मिल के आरती करेंगे यहाँ पर। सो फाइनली आज की पूजा समाप्त हो गई है और आज की ये जो पूजा हो रही है ये चंडी पाठ की पूजा है और ये 3 दिन तक चलेगी हमारे घर में। तो 1 दिन तक का तो मैं नहीं दिखा पाई और ये रहा आज का दिन, एंड नेक्स्ट ब्लॉग में लाऊंगी 3रे दिन का, जिसमें बहुत ज़्यादा मन लगने वाला है क्योंकि नेक्स्ट लास्ट डे में कन्या पूजन होगा, सब चीज़ होगा, तो बहुत मन लगने वाला है। और मैं अभी चाय बनाऊँगी क्योंकि किसी ने चाय भी नहीं पिया अभी तक। मेहंदी रंगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहंदी को रंग के रखने में प्रॉब्लम है, मैंने ज़्यादा नहीं रंगा है, कम ही रंगा है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। एंड एक्चुअली मेन बात ये है कि जब घर में बच्चे हो, जब आपके छोटे बच्चे हो ना, तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं जैसे ही रंग रही थी तो मुझे ईशु को दूध भी देना दिखना भी पड़ा, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं रंगा हूँ, लेकिन मुझे लगता है अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सिंपल और क्लासी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। स्टार्ट हो गई है गाइस, मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा देर सुखा भी नहीं पाऊँगी और मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मंदिर में पूजा भी स्टार्ट हो गई है और हम सब अभी तक रेडी भी नहीं हुए। घर की पूजा तो खत्म हो गई थी, बट यहाँ जो घर के बगल में बजरंगबली का जो मंदिर है, वहाँ हनुमान जी का, वहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी और हमारा बहुत लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा। हम समझ ही नहीं पाए कि आखिर पूजा कब हो रही है, नहीं हो रही है, कैसे भी रेडी हो गई हूँ, जैसे पाई हूँ सकी हूँ, उतना ज़्यादा नहीं हुई हुआ।
यहाँ पे पूजा स्टार्ट भी हो गई थी और फाइनली मतलब ख़त्म भी होने लगी थी और हमें पता ही नहीं चला कि कब स्टार्ट हो गई पूजा। बट आके हमने आशीर्वाद लिया, प्रसाद भी ले लिया और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि पूजा फाइनली समाप्त हो ही गई थी। तो यहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा जल्दी में मैं आज तक कभी रेडी नहीं हुई थी जितनी आज जल्दी रेडी हुई। और मतलब लगभग 15 मिनट लगे होंगे रेडी हम हुए, जाके पूजा में भी प्रणाम भी कर लिया और आके अब जाके ड्रेस चेंज भी करने वाली हूँ मैं। ये देखिए गाइस, शाम भर हो चुका है और शाम को मैं अभी सो के जस्ट जैसे ही उठी और मुझसे मिलने कौन आया है मैं अब दिखाती हूँ आप। ये देख लो, ये मेरे घर की पुरानी दीदी है, यहाँ पे ये दादी है, ये हमारे घर पे पहले काम किया करती थी, है ना सामोदी मम्मा। अब ज़्यादा बुढ़ी हो गई हैं इसलिए हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है इसलिए। लेकिन मम्मा हम लोग से बीच बीच में मिलने ज़रूर आती है, खास करके मेरे से मिलने ज़रूर आएगी ना मम्मा। तो ये हमारे लोकल लैंग्वेज में बोल रही है, तो ये बोल रही थी, मुझे आशीर्वाद दे रही थी एक्चुअली में कि इनका सब चीज़ अच्छा हो, सब चीज़ बढ़िया हो। है मेरा कि मैं जिन जिन से भी मिली हूँ वो मुझे हमेशा के लिए याद रखते हैं मतलब। तो चलो इनको मैं चाय नाश्ता देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ गाइस।